आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। लग्न के अनुसार रत्न धारण करने का हम विचार करेंगे कि हमें कौन से लग्न है कुंडली में, तो उसके कौन सा रत्न धारण करने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप कुंडली सब जानते हैं ना, कुंडली में लग्न किसे कहते हैं? जो हमारा पहला भाव है उसमें जो राशि होती है वो लग्न राशि होती है, और पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। ये सब आप जानते हो ना। तो रत्न धारण करने से जो ग्रह बलवान होता है, उसका बल का लाभ किस विषय में मनुष्य को मिलेगा, यानी किस जगह पे उसका, यानी किस वो जो रत्न पहनने से उसको किस जगह पे, किस घटना में उसको लाभ होगा, जीवन के किस हिस्से में उसको लाभ होगा, इस बात को हम उसकी कुंडली में जो ग्रह का हम रत्न पहनते हैं उसके ऊपर, यानी उसकी जो जगह है उसका आधिपत्य जहां है उसके ऊपर पूरा आधार रहेगा उसका। जिन भावों में वह, यानी जो ग्रह है, जो ग्रह का स्वामी है, जिस भाव का वो स्वामी है, रत्न धारण करने से उस भाव को बल मिलेगा। और जहां वो खुद बैठा हुआ है तो उसे, उस प्लानिट को, खुद को भी स्ट्रेंथन मिलेगी, और जिस भाव में उस प्लानिट की राशियां हैं उसको भी वहां स्ट्रेंथन मिलेगी, यानी उसे पुष्टि मिलेगी, उसे बल मिलेगा। मान लो कि मेष लग्न के कोई व्यक्ति है और उसने पोखराज पहना पहना तो क्या होगा? पोखराज गुरु का नंग है ना। अजय जी, आप कैमरे पे आ सकते हैं तो आइए, माइक म्यूट रखें। तो पोखराज, मान लो मेष लग्न वाले ने पोखराज पहना, तो पोखराज जो है वो गुरु का नंग है, तो वो नवम भाव का स्वामी है ना, तो वो उसका नवम भाव स्ट्रेंथन होगा, गुरु गुरु ग्रह भी होगा और नवमा भाव भी उसका एक्टिव होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी उस नवमी भाव को। परिणाम क्या हुआ कि सरकार से फायदा होना, उसके जो उन्नति में जो दिक्कतें आ रही थी, उसे स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, वो धीरे धीरे बाधाएं जो थी वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी, उसका निराकरण होता जाएगा, उसके धर्म में रुचि बढ़ेगी। नवमा भाव जो होता है वो धर्म का होता है, तो नवमी भाव को स्ट्रेंथन मिलेगी मेष लग्न वाले यदि पोखराज पहना। तो इस तरह से हम विभिन्न लग्न को देखेंगे, वो कौन से रत्न धारण करेंगे, तो कौन सी वस्तु में उसको उपलब्धि होगी, इच्छा उसका विचार हम अब करेंगे आगे। जैसे मेष लग्न है किसी का, उसने मानो मंगल का ग्रह पहना, मंगल का ग्रह कौन सा है विठल जी, पता है आपको? अजय जी, मूंगा 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 है ना। आप कैमरे पे आ सकते हैं अजय जी कि बाहर है? नहीं सर, आ सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ तो नहीं। आइए, कैमरे पे आइए। हाँ, तो मान लो उसने मंगल का ग्रह नंग पहन लिया, मूंगा, तो उससे उसे क्या फायदा होगा? तो मंगल मेष राशि है तो मंगल, पहला भाव हो गया ना, मेष राशि है तो पहला भाव हो गया, सर उससे, हाँ सर, तो स्वास्थ्य में लाभ होगा, आयु में लाभ उससे होगा। नवम सर गुरु की राशि पड़ जाएगी सर। हाँ, जी सर, मेष लग्न है किसी का, उसने, लेकिन सर हाँ तो ये तो पहले भाव के ही गुण हो गए सर। पहले भाव का होगा ना, मंगल का उसने ग्रह रत्न पहना, मूंगा हो गया ना, रत्न मंगल का ग्रह, तो उसमें क्या उसको फायदा होगा? मेष तो लग्न, उसकी टोटल पर्सनालिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी, धन यश, हाँ उसकी पर्सनल, जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ, जी सर, उसमें वृद्धि होगी ना सब जगह, यदि उसने मंगल का नंग पहना तो। और शुक्र का पहना तो जी सर, दूसरा भाव जो होता है वो शुक्र का हो गया ना। शुक्र का कौन सा नंग है? डायमंड। हाँ दूसरा भाव शुक्र का हो गया हाँ, तो धन और व्यापार में सर, वृद्धि, हीरा है सर। हाँ हीरा है ना डायमंड,
तो उसे क्या लाभ होगा? मेष लग्न वाले ने यदि हीरा पहना तो धन व्यापार में वृद्धि, क्योंकि दूसरा भाव को वो दर्शाता है ना, दूसरा भाव। और सातवा, तो स्त्री पत्नी दूसरा सातवां, दो और सात हुआ ना शुक्र का, तो धन व्यापार में वृद्धि होगी, स्त्री यानी पत्नी की आयु तथा उससे स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। हाँ, वाणी वाणी का जो विकार होता है वो नष्ट होगा, दूसरा भाव वाणी का भी होता है ना हमारा, तो वाणी विकार भी दूर होंगे। जी सर। उसी तरह यदि उसने मेष लग्न वाले में बुध का कौन सा अंग है? कौन सा रत्न है? पन्ना बुध का पन्ना है सर। है ना, तो उसने पन्ना पहना जी तो सर। अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। तीसरा भाव जो है ना मृत्यु का भी है, आठवें से आठवा देखिए, अकाल मृत्यु से उसकी रक्षा होगी वहां, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और ऋणी नहीं रहने देगा, ऋण कर्ज नहीं रहने देगा वो। उसी तरह यदि वो मोती पहनता है, चंद्रमा का चौथा भाव चंद्रमा का है ना, मेष लगने के हाँ लिए तो सर, भूमि भूमि वाहन और माँ का सुख उसका बढ़ जाएगा। माता माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और भूमि से लाभ होगा। हाँ सर, हाँ, घरेलू घरेलू सुख, वाहन घरेलू सुख में वृद्धि होगी। जी हाँ, वाहन का, भवन का, घर का सुख रहेगा उसे, गाड़ी का सुख। चंद्रमा, वो मेष वाला चंद्रमा को यानी मोती पहनेगा तो उसको ये लाभ मिलेंगे। और वो यदि सूर्य माने के सूर्य का, तो यानी रूबी, उसने रूबी पहन लिया तो उसकी जो मंत्रणा शक्ति जिसे हम कहते हैं ना, वो बढ़ेगी, राज्य की ओर से उसको लाभ होगा, संतान से सर, संतान से संतान सिद्धि उसको संतान प्राप्ति, मिलेगा। संतान से सुख मिलेगा, भाग्य में वृद्धि। स्किल स्किल में पांचवें भी भाव बढ़ पे वो बढ़ोतरी होगी। मिलेगा उसे। पांचवें भाव से संबंधित यदि कोई वो बिजनेस करते हैं तो उसमें उसको वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। उसी तरह यदि उसने गुरु का नंग पहन लिया पोखराज, तो राज्य से लाभ, धन आयु, छठा भाव गुरु का नंग पहन लिया तो आयु में लाभ, स्वास्थ्य में वृद्धि, पारिवारिक समस्याओं को दूर करेगा वो, भाग्य को भी उज्जवल बनाएगा। नवमा सर भाव एक प्रश्न यहाँ पर उठता है सर, जी, भाग्य का भी वो वृद्धि ये करेगा प्रश्न ये ना। उठता है कि मान लीजिए सर, अगर हाँ नहीं सर, वो तो सही है। जैसे कि सर तीसरे भाव का बुध है और वाले के आवाज लिए नहीं आ रही, बुध का आपकी नग आवाज नहीं आ रही है, उसके काल में आपकी आवाज नहीं रखा आ रही है। हो या नहीं, जो भी तीसरे भाव के लिए। सर आवाज, अजय जी आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही, रही अजय है। जी आपकी प्रश्न नोट करके रखिए, बाद में पूछिएगा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इस तरह से पोखराज पहनने से उसे लाभ होगा। उसी तरह वृषभ लग्न है जिसका, तो यदि वो उसने शुक्र का यानी डायमंड पहना है तो क्या लाभ होगा? यदि ऋण है तो उसको कम करेगा, बराबर है, शत्रु बाधा को कम करेगा, धन का लाभ कराएगा वो। जिसका लग्न वृषभ है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर बुध, तो बुध है तो बुध का कौन सा अंग है? हमने अभी देखा पन्ना पन्ना है, है ना। पन्ना। हाँ, यदि हाँ वृषभ सर, लग्न लग्न वाला पन्ना पहनेगा, वृषभ लग्न यानी दो नंबर की राशि आ गई ना लग्न में, तो हाँ तो भी सर उसको परिवार पैसा इससे सब इसका फायदा होगा सर। नहीं वाणी दोष दूर होगा, दूसरा भाव वाणी का भी है ना। तो और धन संचय भी होगा उससे। हाँ, अकस्मात धन प्राप्ति भी होगी। बुध की दो राशियां है ना, एक तीन और छह, तो तीन तीन आएगी दो नंबर में, छठी राशि कहाँ आ गई? तीन तीन और तीन, पांचवे और छह, हाँ, नंबर, पांचवे नंबर पे आ गई, मतलब संतान का भी उसको सुख मिलेगा। फिर अच्छा। वो जी एग्जाम वगैरह है कहीं एजुकेशन में, तो उसमें भी वृद्धि होगी। और ये सर
पांचवा नंबर है तो शेयर बाजार का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी लाभ मिलेगा उसको। हाँ जी ठीक। उसी तरह चंद्रमा धन की वृद्धि कराएगा, दीर्घायु प्रदान करेगा, पुरुषार्थ बढ़ाएगा। तीसरे भाव में आ गया ना चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की राशि, हाँ वो साहस बढ़ाएगा, पुरुषार्थ कराएगा।